दोस्तों, अगर आप भी अपने YouTube वीडियोस में कुछ इस तरह से लोगो लगाना चाहते हैं तो आज आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि KineMaster एप्लीकेशन के थ्रू आप कैसे अपने वीडियोस में कुछ इस तरह से अपना लोगो लेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने वीडियोस में लोगो लगाते होंगे तो इस तरह से चौकोन में आता होगा, ठीक है, चार कोने में आता होगा आपका लोगो, तो इसे आप गोल फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में यही चीज़ सीखने को मिलेगा। वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले KineMaster ओपन करने के बाद हम इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद 16:9 को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मोस्टली यूट्यूब वीडियोज़ के लिए 16:9 यूज़ किया जाता है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे एक बार। इसके बाद यहाँ पर हम वो वीडियो सेलेक्ट करके यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे जिस वीडियो पर हम लोगो लगाना चाहते हैं, यानी कि लोगो लेयर करना चाहते हैं। चलिए हम इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम इसे ड्रैग करके स्टार्टिंग पॉइंट में ले आते हैं। अब इस वीडियो में लोगो लेयर करना है, तो इसके लिए आपको लेयर पर क्लिक करना है, इसके बाद मीडिया पर क्लिक करना है। अब यहाँ से अपने लोगो को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ भी आपका लोगो है। तो मैं अपना लोगो सिलेक्ट कर लिया हूँ, यहाँ पर इंसर्ट कर लिया हूँ, इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इसके बाद इसे ड्रैग करके अपन यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में लगा देंगे, यहाँ पर सेट कर देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अपना लोगो लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर रख दिया हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लोगो है वो स्क्वायर फॉर्म में है। सबसे पहले हम इस लोगो को पूरे वीडियो में लेयर करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करके इसे खींच के पूरे वीडियो में यहाँ पर लेयर कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे वीडियो में हमारा लोगो लग चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लोगो है वो स्क्वायर के फॉर्म में है। अब इस लोगो को हमें सर्कल के फॉर्म में यानी कि गोल बनाना है, ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मास्क को इनेबल करेंगे। मास्क इनेबल करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्कल फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब हमारा जो लोगो है वो आप देख सकते हैं सर्कल के फॉर्म में आ चुका है, जो कि पहले स्क्वायर के फॉर्म में था वो अब सर्कल के फॉर्म में आ चुका है। पूरे वीडियोज़ में आप देख सकते हैं सर्कल के फॉर्म में हमारा लोगो आ चुका है। और हम इससे यहाँ पर से प्ले करके दिखा देते हैं आपको। देखिए, हमारा जो वीडियो है उस पर हमारा जो लोगो है वो सर्कल के फॉर्म में आ गया है। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर हेल्प किया होगा अपने वीडियो में लोगो लगाने में। तो वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए। वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।